100 रुपया आउ दहू, दाम बढ़ गेले है। डेली डेली दाम बढ़ित है, पैसा तो ना हवा लक्ष्मी, ला एगो बच्चल हवा रखना, तू ही पहन के सधावा। ना ना हम ना ले बुआ, जैसन तैसन ला के दे देवा हा। एकदम ब्रांडेड माल है, कितनो खींचा तेरी में नहीं फटेगा। ओह माय गॉड, चाचा कहाँ चले लाए चाचा? हेलो, हाँ कब तक आ रहे हैं? हाँ 2 घंटा में मंजिल उठेगा। ठीक है ठीक है अरे का हुआ, काहे रो रहा है सब? अरे चचा अब नहीं रहे। अरे कस कब तो ठीक है, ठीक कैसे हो गया? इनको कहते थे कि बुढ़ारी में जवानी के शौक छोड़िए, ये रंडिया के लेने गए थे, रंडिया इनके ले ली। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कह रहा है। अरे जहाँ से निकले थे वहीं चले गए। सिंपल वे में समझाओ। अबे भोसड़ी के बूर से निकले थे, बूर में चले गए। ये तो होना ही था, ऐसे पियकवा दिखाई नहीं दे रहा है। उसके पास नोटिफिकेशन गया? ये सुनो, जाओ पियकवा के देखो क्या कर रहा है। चाचा अबे जा भोसड़ी के, इतना इमोशनल मत हो। दारू के क्वालिटी वही है, इनका चोली ब्रांडेड चाहिए। अजी अगला बार से तू हमरा भी मत आइहा, तू दिमाग खराब कर देवा है कि क्या? Yes. जो भगाने से भाग जाए, हम वो दीवाने नहीं, और आधा अधूरा गांड मार के छोड़ दे, हम वो परवाने नहीं। Oh my God. भैया जस्ट होल्ड ऑन। अरे जा यहाँ से, बड़का इंग्लिश बोली था। खिसी आई था कहे लगे मलकिनी, कह तो 200-400 रुपया आओ दे दवा ही नीहुच के। कहूँ आओ जाके टाइम पास कर, सवेरे सवेरे आ जा। अच्छा सुना ना, कहियो फ्री हम तो चलो हमारा साथ थिएटर में, भागे बुर खदेरे लौड़ा फिल्म लगल है। अजी तू यहाँ से जा है कि ना, कि बोलाऊ हम अपन बाबूजी के? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। तू कुछ काम वाम काहे ना कर रहा? घर मिले बैठ खाने को तो लौड़े को जाऊ कमाने को, जबले बाबूजी हमर जिंदा है हमको कमाने नहीं पड़ेगा। भैया चाचा दुनिया से चले गए, चाचा नहीं रहे। हाँ रातें मरे हैं, हाँ अचानक चले गए, मरे होंगे 11-12 बजे। कितना बज के कितना मिनट पर माच चोदे, हम घर ही लेके बैठल हली, आने का मन आइए नहीं आने का मन है मत आइए। सब रिश्तेदार गांडू होता है कि यस। आ तू इतना लापरवाह कैसे हो गया? बाप कब से मरा पड़ा है, तुमको जरा सा भी ध्यान नहीं है। हाँ यो खूब फुटानी पादलन है, बाप मर गए, अब घर घर जाके भीख मांगतन साले तहिने। No. एकरा कह ली कि सुधर जो रे, लेकिन ना दारू पी के खाली मतवाला रहना है। अब इनकर गार के नस ढीला हो जाता, इनकी खूब ऐस कर लेना नहीं। मत कर इतना घमंड ओए रंडी वालो, एक दिन ऐसा आएगा तू भी खाली हाथ ही जाएगा। आई नखा होली में मरे लगी, हालांकि इस बार लिस्ट बना के रख ले थे कि केकर केकर गार में रंग लगाएंगे। Oh my God. देखो यहाँ बाप मरा पड़ा है, इसको होली नजर आ रहा है। कोई के बता के गया है कि पैसा कहाँ रख ले है? नहीं रुक जो, लगता है चचा पियकवा लागे संपत्ति छोड़ के गए हैं। पूरे उम्र में यही बचाया है। वाओ। जमीन है ना, तो कहले इतना टेंशन ले रहा है। सब रंडी नचाने में जमीन बेच दिया है, एकर जिंदगी तो कट गया, अब हमर कैसे कटेगा? रात को पिया तो रात कट गई, सुबह हिसाब जोड़ा तो गांठ फट गई, वही हिसाब कैले है।
अब इसको फिक्र हो रहा है कि जिंदगी कैसे कटेगा। तुम तो रंडियन के साथ नाचता था। उघरी हमको होश था, बाबूजी नाचते थे तो हम भी नाचने लगते थे। वो सब छोड़ो, चाची कहाँ है, हमको दिखाई नहीं दे रही है जब से आए तब से। अरे मम्मी तीर्थ धाम गई है बाबूजी के लंबी उम्र के लिए, आई लौड़ा में चल गया। आई हो दादा, हम भैया। आपको कैसे पता चला कि चचा चले गए? मुठ मारी थली तो सोनुआ आके कहला कि भैया बूढ़ में चल गए। तू चुप हो जा भोसड़ी के, इतना देर में हमको चोट के निकल जाते हैं। भाई का जुगाड़, भैया के छोड़ के पहले चोट ले बल जा। अभी चचा के काम क्रिया पर ध्यान दीजिए। यस। भो 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 भोजे कहाँ गए थे? तो 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 माइक जी 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 जा जा रे, तेरा बहन के पागल चोदो पहले से टेंशन कम था जो ये आके बढ़ा दिया। अरे कलिया भगा भोसड़ी के। ठीक हो बेटा, अब हम कुछ न बोलबो। हेलो, हाँ आपके लिए भी वो कफन ले आ जाए। देखो तो अभी तक कोई के कफन लागे ध्यान नहीं है। ए सुनो, चाहे वो कफन ले आओ जल्दी से। एगो हमरो लागे कफन ले ली है, छोटा वस्तु तक कंडम ले ली है। कलिया मैया चौदवा कलक के जुगाड़। अब कुछ बोलवा हूँ आओ का हमर लुड़वा। अबे जा भोसड़ी के, इसका बात सुन रहा है, पता नहीं कभी अपना बात खत्म करेगा। कफन कौन ची लो, गमछी गमछी ओढ़ाओ। दिमाग खराब हो गया है, बिना कफन के मंजिल जाता है। कमैलन जहाट न आंखा कफने चाहिए। निकाल हूँ 5,000, काम आगे बढ़ते। अरे बाप, चुदाई के रुपया है कि बांट दी। भाई कितनो मदद न करब हूँ। लंड के भाई पैसा तो कोई मजाक न। लो ये पैर के पास लगा। अरे इसको टांगो, उठाओ इसको, उठाओ इसको। अरे हाथों पैर में धर के टांगो ना, टांगो टांगो। अब लेटाओ। No. एक ही को कंबले है, रात के उड़ेंगे कुछ ही। आ शर्ट पैंट भी खोलो, बहन चौधे नया नया पहन के मरलन है। बेटा के आज ले लंगोटा न देलन, अपने बहन चौधे ब्रांडेड पहन ले हथन। अंडरवियर वो खोलवा दे। खोलवा दो, लंगटे आया है लंगटे जाएगा। माँ की चुत। कोई कुछ नहीं खोलेगा, आ जाके मिस्त्री के बुला लाओ, अर्थी बनवाना है। बहन चौधे रे झोली में झाट ना, सराय में डेरा। अरे एगो बोरा लाओ, बोरा में कस के फेंक दो नली नहर में। जिंदगी भर कमाईबे ना किया तो बाप पर इतना काहे खिसी आयल है? कौन ची के बाप, भर जवानी तो अपने ऐश किया आ साथे साथे हमरो जिंदगी बर्बाद कर दिया। यस। ये अंगूठी पर ध्यान तो हमर गेवे नहीं किया था। निकल बैठ चु, निकल, एकदम सट गए हैं। ओह माय गॉड। सुनो मुंह खोलो, चाचा एक घी पिला दे से।
चलो कल है चाचा मुंह में। अरे लाओ लाओ। देखो माधवचुत पैसा चुरा के भाग रहा था। ऊपर में नैया पार करने के लिए रखे होंगे। आइए हैं ऊपर नाव जहाज चली थे। हकलावा सही कह रहा है, हम भी एगो फिल्म में देखे हैं। भंवर पार करने के लिए तराजू पर कुछ न कुछ रखना होता है। पूरे जिंदगी में बिहार से बाहर न गेलन आ मरला पर इनका भंवर पार करना है। बहन चोदर बढ़िया से तलाशी लो, गाड़ के भूर के भी चेक करना, कुछ न कुछ लुकैले होगा। सब घर धोना पड़ेगा, मरते मरते काम बढ़ा दिया। देखो तो जमीन के कागज यही है जखनी से चचा पर झूठ मूठ के खिसियाया हुआ था। ये घर के कागज है, यहू माधवचोद अपना साथ लेके जा रहा था। वो सब छोड़ो, काम को जल्दी आगे बढ़ाओ, अभी भोज भी करना है। भोज नहीं होगा। हाँ? समाज को नहीं खिलाएगा? रुपया है या नहीं है तो घर बेच के समाज को खिलाए। जो खर्चा लगेगा हम देंगे, लेकिन चचा के अंतिम संस्कार बढ़िया से होगा। बाप के कर हमर, तुम जैसे चाहेंगे वैसे विदाई करेंगे। ठीक है, लेकिन रीति रिवाज भी जरूरी है ना। मृत्यु भोज नहीं करेगा तो सब समाज वाला का कहेगा। कलिया मुझे चौदवा सही कह रहा है, हम समाज के फेर में नहीं है। अब वैसे भी हमको मृत्यु भोज हमको पसंद नहीं है। सब मैं खेलू है हो, तू न खेलब हूँ। कर्जा लेके करूँ चाहे सुधी पर पैसा लेके करूँ, भोज तो कर ही पड़ता वो। No. खुशी में खिलाना पिलाना अलग बात है, अच्छा लगता है, मरने में खिलाना जरूरी नहीं है सबको। Wow. पियकवा के भी कहना सही है, मरने में खिलाना पिलाना जरूरी नहीं है। Yes. अरे उधर एगो कौन तो गांव है जिसका हमको नाम याद नहीं आ रहा है। वो गाँव में एगो ना गरीब औरत रहती थी, एक दिन उसका हस्बैंड मर जाता है। अब इसके पास पैसा नहीं था कि काम क्रिया किया जाए और समाज को मृत्यु भोज करके लोगों को ना खिलाया जाए। अब समाज का कहना था कि मृत्यु भोज तो होना चाहिए, यह हमारे परंपरा है। अब समाज के दबाव में आके औरत क्या करती है कि गांव के वो आदमी से सूद पर कर्जा लेके मृत्यु भोज करती है। आज जो सूद पर पैसा दिया था वो अब औरत को हमेशा तंग करने लगा पैसा के लिए। अब लास्ट में औरत कहा कि अपन 5 साल के बेटे के साथ दोनों नदी में कूद के अपन जान दे दे। अब बताओ कहाँ तक सही था यह है। आजकल लोग परंपरा में बंधा हुआ है। अरे इंसान परंपरा को लाया है, परंपरा को इंसान के ऊपर हावी मत होने दो। Yes. एकर प्राण कब छूटा है? बॉडी देख के लग रहा है रात के 11-12 बजे मरे होंगे। तब न कहे इतना काहे महक रहा है, बाहर निकालो इसको। है ये है बेटा, आज हम महकी थी तेरा माय के निहुरा के चोदो। अरे चचाई कैसे हो गया, सबको लगा कि आप चले गए। अरे पता नहीं राते घर चोदी कौन सी सुंघा दी कि मदहोश हो गए। अरे भैया भोसड़ी के ये कैसा मजाक है। जब आप पार्टी कर रहे थे तक जमीन के कागज काहे लिए हुए थे? अरे उसको दिखा रहे थे कि कितना संपत्ति है हमारे पास। बाबूजी हमको लगा कि आप स्वर्ग में चले गए। जो बच्चा है वह लुटा दीजिए, पियकवा सही कर रहा था। शुक्र है भगवान का जो भैया को बुड़बे से खींच लिए। ये भोसड़ी के का कर रहा है हमारे घर में?